क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? क्या देश की महिलाओं, बच्चों, स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस बातें कही गई? क्या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक संकल्प का कोई संकेत दिया गया? और क्या देश के विकास, ढांचागत और औद्योगिक विकास की कोई रूपरेखा प्रस्तुत की गई? इन द थर्ड मीटिंग ऑफ द सो कॉल्ड अलायंस there was no vision for the development of India, no roadmap for the upliftment of poor, no strategy to address the concern for the farmers as they claim, or the women or the children, and the most important, forget roadmap, not even an acknowledgement of the threat to India from terrorism, radicalization and secessionist forces. भारत में डायवर्सिटी है, ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और उनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो, दैट्स ऑल। देयर ओनली रिकरेंट थीम इज अब्यूज श्री नरेंद्र मोदी जी एज मच एज पॉसिबल। तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी, कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है इसके प्रतिस्पर्धा थी। देयर वॉज ओनली कॉम्पिटिशन एज टू हु एक्सीड्स होम इन कर्सिंग एब्यूजिंग नरेंद्र मोदी जी। ये लोग चले हैं देश को बनाने के लिए, ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं और उनकी सरकार अधिनायकवादी है, सवालों का जवाब नहीं देती, संविधान के अनुसार नहीं चलती। मैं आप पत्रकार मित्रों से आज एक बात कहना चाहता हूं, यह तीसरी बार हुआ है कि नेता बैठे हैं, कोई पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। I am repeating पटना में एक दो सवाल हुआ, फिर नीतीश ने कहा हो गया। बेंगलुरु में कहा गया समय नहीं है, और मुंबई में आपने देखा। तो आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैसी ऑर्गेनाइज हुई छोड़िए, उसको मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आरोप हम पर लगाएंगे। ये कौन सा आचरण है भाई? लेकिन आज मुझे सबसे कौतूहल हुआ है, जो तथाकथित इंडिया का रेजोल्यूशन जो है, ये मेरे पास है, जो उसको रिलीज किया गया है, जरा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। वी द इंडिया पार्टीज हेयर बाय रिजॉल्व टू कंटेस्ट द फोर्थ कमिंग लोकसभा इलेक्शन टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. ये give and take शब्दावली ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है, प्रभावित क्या कहूं, कौतूहल दिया है। इनको कोई आश्चर्य नहीं है ना, इस अलायंस के लोग give and take की भाषा से बहुत परिचित है, इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था,
पूरा कॉल स्कैम गिव एंड टेक था, पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था। और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। चारा घोटाले में सजा मिल गई, एक नहीं कई केसेस में हैं बेल पर, तो साहब नए नए प्रकरण खुलते हैं। जमीन दो नौकरी लो, तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है। मैंने एक बार कहा था और आज इनकी बैठक के बाद इनके प्रस्ताव के बाद उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। अनिल बाबू पहाड़ के पंडित जी हैं तो इनसे हमारी आध्यात्मिक चर्चा भी कभी कभार होती है। तो ये अपनी संरचना जो है पंच तत्वों से हम बने हैं। भारतीय संस्कृति संस्कार में हिंदू सनातन धर्म में हम कहते हैं कि ये जीवन पांच तत्वों से बना है, जल थल नभ वायु अग्नि। द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ओज इटसेल्फ टू फाइव एलिमेंट्स, द अर्थ, द फायर, द एयर, द स्काई एंड द आपके एयर मत बताया। अब आप देखिए इन लोगों ने किसी भी तत्व में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। ये है इनकी विसात, तो आज हम देश को दोबारा बताना चाहते हैं। अब जरा थल के भ्रष्टाचार की बात लीजिए आप, क्या क्या हुआ। कॉमनवेल्थ हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, बिहार में चारा घोटाला हुआ, बिहार में अलकतरा घोटाला हुआ। इनको थल से संतोष नहीं हुआ तो पाताल में भी चले गए, वहां कोयला घोटाला कर दिया इन लोगों ने। आकाश में हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया, और वायु क्या है, 2G तो वायु से ही चलता है ना, तो पूरा तो 2G या स्पेक्ट्रम घोटाला है वायु के साथ। समुद्र की जल की बात लीजिए तो सबमरीन घोटाला हुआ वहां पर। और अग्नि के बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि बीकानेर में जो दमाशी को जमीन दी गई है सूर्य के किरणों से अग्नि निकालने के लिए वहां प्लांट लगाए जाएंगे, उसमें कितना एफआईआर हुआ आप जब ही जानते ही। तो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द सो कॉल्ड इंडिया पार्टीज, और वो हमें सीख दे रहे हैं। तो इस तीसरी बैठक का एकमात्र नतीजा यह है कि उन्होंने अपने गिव एंड टेक प्रिंसिपल को फॉर्मली पॉलिटिकली भी माना है। न कोई संयोजक बना, न कोई कमेटी बनी, एक गिव एंड टेक प्रिंसिपल को स्वीकार किया गया। चलिए उनकी बात है। हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, लेटेस्ट सर्वे में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता प्यू सर्वे में आपने देखी है, दुनिया में भी देखी है, भारत में भी देखी है, कि कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद जी आप बेल पर हैं पता है ना आपको, हाँ इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। और आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कहते हैं, इतनी शर्मिंदगी भरी बात तो मैं बोल नहीं सकता। आप सभी जानते हैं क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या दबा देंगे उनका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कुछ राहुल गांधी के बारे में फिर बताने की जरूरत है। राहुल गांधी जी, क्या आप चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और यह बात हम बड़े जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं, राहुल गांधी हैव यू बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट। और यह बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ,
बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया, आप सेना को विश्वास नहीं करते हैं। तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए, आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं तो आपसे और क्या कहा जाए। कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं जिनको चाइना फंडिंग करता है, आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, यह चर्चा अभी यहां कर चुके हैं हमारे प्रवक्ता मित्र, कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे, यह सवाल मैं आज मुझे उठाना है। आपके नाना जी के समय 4,500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए, उन्होंने आकाशवाणी में कहा था माय हार्ट गोज फॉर असम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही थी, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। तो राहुल गांधी जी आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी मेरे सर पर बाल नहीं है, आप अपनी टोपी हटाइए, आपके सर पर भी बाल नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों के सर का आप? ये तो आप कुछ पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है। तिब्बत कब गुलाम हुआ था राहुल गांधी, आज तक है, थाईलैंड कब भागे थे, कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं जानते। लेकिन हर बार आकर के चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने एक बार ये बात संसद में कही थी, आज मैं पार्टी के मंच से इसको दोहराना चाहता हूं। राहुल गांधी जी आपकी सरकार की ऑफिशियल लाइन थी मनमोहन सिंह के समय कि हमने चाइना से सटे भारत के हिस्सों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके चाइना को इरिटेट नहीं करना है, ये हमारे ऑफिशियल लाइन है। वी हैव नॉट टू अननेसेसरी इरिटेट चाइना बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस अलोंग द होल लद्दाख टू अरुणाचल स्ट्रेस। और आपके ए के एंथोनी साहब रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में वक्तव्य है, और मैं आज कम से कम टीवी मीडिया से रिक्वेस्ट करूं उनको दिखाया जाए, एक बार दिखाया गया था। और आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक राहुल गांधी सारी सड़कें बन गई हैं, सारी पुलिया बन गई है, और सेना के ट्रक सामान लेकर के दौड़ते हैं, औजार लेकर दौड़ते हैं। राफेल के बारे में आपने क्या क्या कहा ये तो सभी जानते हैं, उस पर भी आज राफेल जब गरजता हुआ उड़ता है तो भारत अधिक सुरक्षित होता है। तो हम इतना कहना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं चाइना भी आपके अलायंस से प्रसन्न हो रहा है क्या? राहुल गांधी क्या आपको बार बार चाइना की स्तुति गान करना पड़ता है? ये मैं संशय के आलोक में यह सवाल उठा रहा हूं। मिस्टर राहुल गांधी ऑन बिहाफ द बीजेपी वुड लाइक टू रेज एन इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। क्या हर बार आपके अलायंस की बैठक में चाइना का इस विदान होना जरूरी है क्या? यह बड़ा गंभीर सवाल है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके अलायंस को सपोर्ट करने वाले बहुत से मीडिया हाउसेस चाइना के द्वारा फंडेड है, तो आप ही लोगों ने कहा है। कभी होगा तो पूरा विस्तार से हम विषय आपके सामने रख देंगे।
आज पार्टी की ओर से हमें एक और बहुत गंभीर सवाल उठाना है। यह इस देश की जनता को तय करना है, क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो भारत के विकास, गरीबों के विकास और भारत की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, या ऐसे अलायंस को चुनेगी जहां हर चीज के दाम लगते हैं। यह है बड़े सवाल, और इसमें भारत की सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे यह बात जरूर कहनी है कि जिस तरीके से